अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू रूबी किचन गार्डनिंग। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद है सब हरियत से होंगे। तो आज मैं बना रही हूँ झटपट मज़ेदार सी कीमा भरी शिमला मिर्च। इसके इंग्रेडिएंट्स चेक कर लें। ये मैंने कीमा ले लिया बीफ का, आप मटन का भी ले सकते हैं, चिकन का भी ले सकते हैं। अगर चिकन का लें तो उसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, बीफ और मटन को आप बॉयल कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप वैसे जैसे रेगुलर कीमा बनाते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो ये मैंने हाफ के जी कीमा लिया था, इसको बॉईल कर लिया नमक डाल के। ये मेरे पास शिमला मिर्च है, तकरीबन 6 पीस हैं। और ये ड्राई स्पाइसेस में इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा 1 टेबलस्पून भर के, और पिसा हुआ सूखा धनिया 1 टेबलस्पून भर के, और 1 टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, नमक क्योंकि हमने कीमे में भी डाला हुआ है। और ये गरम मसाला 1 टेबल स्पून, 1 टीस्पून हल्दी इसमें जाएगी, और 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें लाल मिर्च जाएगी। 2 मीडियम साइज़ के ये टमाटर हैं, आप चाहें तो टमाटर की प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंड कर लें टमाटरों को तो, लेकिन मैंने बारीक बारीक सा इनको कट कर लिया। और 1 बड़ा टेबल स्पून इसमें मैंने अदरक लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने लहसुन लिया है, ये 5-6 हरी मिर्ची हैं, 2 अदद लेमन है ये भी हम इसमें डालेंगे, और 2 मीडियम साइज की प्याज है। तो चलिए स्टार्ट। ऑयल हमारा गर्म हो गया, सबसे पहले हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन करके निकाल लेना, इसलिए सबसे पहले हम प्याज ब्राउन करके निकाल लेते हैं। प्याज हमारी ब्राउन हो गई है, इसको हम निकाल लेते हैं ऐसे छलनी के साथ। अब हम इसी ऑयल में डालेंगे लहसुन, और अदरक, लहसुन अदरक हमारा देखो हो गया ब्राउन, बन गया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर हम कच्चा कीमा बनाते ना तो फिर हम जब लहसुन अदरक डाला था ना उसके साथ ही वो हमने कीमा डाल देना था और उसको भून लेना था, लेकिन कीमा हम ऑलरेडी बॉईल कर चुके हैं इसलिए हम पहले इसका मसाला रेडी कर लेंगे फिर हम कीमा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, और हल्दी 1 टीस्पून। इसको कर लेते हैं मिक्स, साथ ही हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं ताकि हमारे मसाले जो हैं वो जले ना। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, पानी इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि ये मसाले जो है ना वो जल ना जाए, साफ ना लगना शुरू हो जाए। साथ ही हम इसमें ये जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो डाल देंगे। कीमा डाल देंगे, ये जो कीमा हमने बॉईल किया हुआ था ये डाल देते हैं, इसको अच्छी तरह से ये हाथ का कुटा हुआ कीमा है। वैसे मशीन का जो कीमा है उसको तो बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये गलती से हाथ का कुटा हुआ मैं कीमा लेने भेजा था तो वो हाथ का कुटा हुआ कीमा ले आए हैं, इसलिए मुझे इसको बॉईल करना पड़ा। जो मशीन का कीमा होता है ना वो वैसे भी पक जाता है, यानी कि उसको बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम अब अच्छी तरह से भून लेते हैं। देखिए कीमे की बुनाई हो गई है अच्छी तरह से, मैंने इसको भून लिया। अब हम इसमें ना तकरीबन 1 कप पानी डाल के ना इसको दम पे रख देते हैं,
ताकि जो कसर थोड़ी सी रह गई है वो भी हो जाए। बस एक कप पानी डाल लिया इसमें और इसको हम दम पे रख देते हैं कवर करके। जी फ्रेंड, कीमे को मैंने दम पे लगा दिए। अब हम शिमला मिर्च को कर लेते हैं रेडी। ये देखें, वैसे बेहतर तो यही है आप मीडियम साइज़ की ये लिए हैं शिमला मिर्च, जो बिल्कुल यंग यंग सी होती हैं। मेरे पास ये दो बड़ी हैं, बाकी सही है इनका साइज़। तो इनको हम कट कर लेते हैं। ये देखें, ऐसे करके कट करना आपने, और इसके अंदर से जितने भी ये सीड वगैरह वाइट वाला पार्ट है ना, इसका ऐसे छुरी के साथ निकाल देना बड़ी एहतियात से। ये देखें, ऐसे इसको अपने खाली कर लेना। ऐसे ही इसका ये जो कवर है इसका ऊपर का, इसको भी ये वाइट वाला जो पार्ट है वो सीड वगैरह निकाल देंगे। ये फिर हम इसे उसके ऊपर रख देंगे। ये हो गया, बाकी भी मैं करके तो आपको दिखाती हूँ। कीमा हमारा अच्छी तरह से भुन गया। अभी ये मैं इसमें डाल रही हूँ लेमन का जूस। जूस तो कम ही होता है इसके अंदर। ये सारे ये देखें सीड भी आ गए हैं, ये निकाल लूँ मैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। और थोड़ा कीमा हम निकाल लेते हैं जिससे हमने वो शिमला मिर्च स्टफ़ करनी है, मतलब उनके अंदर जो डालना है ना फिलिंग, उतना कीमा हम निकाल लेते हैं। बाकी ये जो है कीमा, इसकी हम थोड़ी सी ग्रेवी, क्योंकि इसके अंदर हमने शिमला मिर्च रखनी है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारी भी शिमला मिर्च रेडी होने ताकि ये जल ना जाए। पहले ये देखें लग गया हुआ ऐसा, तो मैं बस इतना का पानी डाल के इसको कवर करके रख देती हूँ। ये जो फिलिंग के लिए कीमा निकाला है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरा धनिया और पुदीना, ढेर सारा हरी मिर्च, ये डाल के हम इसको कर लेते हैं मिक्स तरह। की फिलिंग कर लेते हैं। इसको ऐसे करके अच्छी तरह से फिल कर लेना। फिर इसको ऊपर ये कवर दे देंगे ऐसे करके। और इनको मैं बंद करना भी आपको बताती हूँ। अभी हम सारी फिल करके रख लेना। पहले जितना भी कीमा हमने निकाला था उसमें से ये देखें हमारी सारी जो शिमला मिर्च है वो फिल हो गई हैं। इसको भी अच्छी तरह से निकाल देते हैं चम्मच से साफ करके, और इसका ऊपर कवर देना। अब कवर को बंद कैसे करना है ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, आपने टूथपिक ले लेनी है, इससे बड़ा आसानी से हम इसको कवर कर सकते हैं। वैसे हम धागा भी लपेट सकते हैं, जैसे हम करेले को धागा नहीं लपेटते, लेकिन वो ज़रा मुश्किल काम है, मुझे ये इजी लगता है। ये देखें, आपने टूथपिक को यहाँ से लेके ये ऊपर से ऐसे निकाल देनी है। ये देखें कवर हो गई है ना, ऐसे ही दूसरी साइड से भी ऐसे करना है। दो टूथपिक आप लगा देंगे ना तो काफ़ी है इससे। ये देखें ये लेगी भी नहीं भी, ऐसे करके रखना है। एक दफ़ा मैं फिर बता देती हूँ आपको। ऐसे अंदर इसको आपने डाल के ऊपर से निकाल देनी है ऐसे, और एक दूसरी साइड से करना है ऐसे करके। हमारी हो गई कवर, ऐसे मैं सारी निकाल करके आपको दिखाती हूँ। सारी शिमला को ये देखिए टूथपिक लगा के मैंने रेडी कर लिया। अब हम इसको रख देते हैं इसके अंदर ऐसे करके ना। आपने ये कीमा जो बचा हुआ था हमारा उसके अंदर इनको रखना है ताकि ये पक जाए ज़रा। ये भी रह गई है, इसको भी रख देते हैं। ये देखें हो गई ना पूरी। अब आपने हल्की आंच पे, आंच इसकी बिल्कुल हल्की रखनी है, और इसको हम दम पे लगा देते हैं।
अब हम इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए ये मैंने कोयले का एक छोटा सा पीस ले लिया था और इसको ये मैं कर रही हूँ, जब ये गर्म हो जाएगा तो फिर हम इससे इसको धुआं देंगे ताकि इसमें स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए। ये देखें शिमला हमारी रेडी हो गई है, अब हम इसको ना स्मोकी फ्लेवर देंगे। इसके लिए मैं एक कटोरी ले लेंगे, गर्म हो गया है, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, ये देखिए, और इसको कर देंगे कवर ताकि इसका सारा स्मोक जो है ना इसके अंदर आ गए। ये इसका पूरा नहीं आ रहा लेकिन चले फिर भी आ जाएगा। सबसे पहले हम कीमे की लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर ये धनिया पुदीना डालना है आपने, थोड़ी सी हरी मिर्चें डालनी है और ऊपर हम रख देंगे ये जो हमारी शिमला मिर्च है, बहुत गर्म है, माशाल्लाह से ये देखें हमारी शिमला मिर्च रेडी हो गई है। टूथपिक आप निकाल सकते हैं, चाहे तो रहने दें, जब खाना खाएं तो साथ ही निकालें, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको बाहर निकाल के रख सकते हैं। ये देखें मैंने सारी निकाल दी हैं, माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।